नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो मार्च महीने का ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF मिल जाए। टेलीग्राम के साथ आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैपेसिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन इन पोंग डैम इज, पोंग बांध में की मछली उत्पादन क्षमता कितनी है। देखिए, पोंग बांध के बारे में गिरिराज पत्रिका में दिया गया था, तो आप याद रखिए कि पोंग बांध की जो मछली उत्पादन क्षमता है वो कितनी है। वो है, आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 287 टन, 287 टन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखिए, यहाँ से आप क्या याद रखेंगे, यहाँ से आप याद रखिए कि पोंग बांध जो है वो शिवालिक नदी पर बना हुआ है, और 1975 में जो था इस डैम को बनाया गया था। पोंग बांध को 1975 में से बनाया गया था, और 1975 में जो था वो मत्स्य पालन विभाग द्वारा पहली बार मछली परीक्षण जो था इस बांध में किया गया था। और जब पहली बार यहाँ पर फिश प्रोडक्शन की गई थी तो इसकी कैपेसिटी थी 98 टन। उस टाइम 98 टन जो थी इसकी कैपेसिटी थी, और 2018-19 में ये बढ़कर 287.513 टन हो गई है। ये एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 287.5813 टन जो है वो इसकी कैपेसिटी हो गई है। अगर आप पोंग डैम का थोड़ा सा और बैकग्राउंड देखेंगे तो देखिए, बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा कि पोंग बांध जो था इसकी कंस्ट्रक्शन का कार्य जो था वो 1960 में, 1960 में जो था वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो था वो राजस्थान सरकार के साथ जो था मिलकर शुरू कर दिया था। मतलब 1960 में जो था इसकी योजना बना दी गई थी, क्योंकि राजस्थान में जो था वो पानी की कमी थी, तो वहाँ पर भूमि की सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए जो था इस बांध की योजना जो थी वो बनाई गई थी, और फिर 1975 में ये बांध बन गया था। अब यहाँ से फिश प्रोडक्शन की बात भी हुई है, तो देखिए फिश प्रोडक्शन से आप क्या याद रखेंगे, तो फिश प्रोडक्शन से आप याद रखिए कि हिमाचल में जो है वो देखिए डिफरेंट वैरायटीज जो है वो फिश की पाई जाती हैं। देखिए इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो ट्राउट फिश जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ट्राउट फिश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्राउट फिश की ब्रीड जो थी वो 1909 में, 1909 ईस्वी में जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, इसको इंट्रोड्यूस कर किया गया था ML होगल के द्वारा। ये भी आप याद रखिए कि ML होगल ने हिमाचल में ट्राउट ब्रीड को जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इतना बेसिक्स आप पोंग डैम के बारे में याद रखिए, यहाँ पर मछली उत्पादन क्षमता कितनी है इसके बारे में याद रखिए, और ट्राउट ब्रीड के बारे में आपने मैंने मैंने आपको बताया वो भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट गिवन टू यूथ रजिस्टर्ड अंडर कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को कितना रुपये प्रति महीना दिया जाता है। देखिए, आपको पता है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा डिफरेंट स्कीम्स जो हैं वो चलाई गई हैं। इन्हीं स्कीम्स में से एक स्कीम है कौशल विकास योजना। देखिए, कौशल विकास भत्ता भी वो कहते हैं इसको, तो कौशल विकास भत्ता जो है वो दिया जाता है 1,000 रुपया प्रतिमाह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो उद्योगों में जितने भी कर्मचारी या फिर कोई कामगार या प्रशिक्षु नियुक्त हैं उनको जो है वो इंटर्नशिप के दौरान जो है, इंटर्नशिप उनको 2 वर्ष की होगी, उस इंटर्नशिप के दौरान जो है कौशल भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब ये कौशल भत्ता जो है ये दिया जाएगा इन लोगों को 1,000 रुपया, और अगर कोई 50% या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको जो है वो दिया जाएगा 1,500 रुपया। ये भी आप याद रखिए कि 50% या उससे अधिक डिसेबल कोई है तो उसको 1,500 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। अब देखो, ये कौशल विकास भत्ता योजना जो है वो चलाई क्यों गई है, तो देखिए इसके बारे में आप याद रखिएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर युवा हैं उनको स्किल को जो है वो अपलिफ्ट करने के लिए, उसको निखारने के लिए और उन लोगों को रोजगार देने के लिए जो है ये स्कीम जो है वो चलाई गई है। इतना बेसिक्स आप इस स्कीम के बारे में याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एज ग्रुप ऑफ यूथ शुड बी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज अंडर चीफ मिनिस्टर स्वावलंबन स्कीम। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवाओं को सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए,
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है एक नई स्कीम इस दौरान बजट में चलाई है। अगर बजट की वीडियो आपने देख ली है तो हमने काफ़ी डिटेल में बजट को डिस्कस किया था। तो ये बजट की जो स्कीम चलाई गई है, यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है एक नई चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 18 से 45 वर्ष की आयु के जितने भी युवा और युवतियाँ हैं उनको अनेक सुविधाएँ दी जाएंगी। अब इस स्कीम का मुख्य एम क्या है? इसका एम है कि जितने भी स्थानीय उद्यम हैं उनको बढ़ावा देना और जितने भी हिमाचल के युवा और युवतियां हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध करवाना, ये इस स्कीम का मुख्य एम है। और इसमें एज ग्रुप रखा गया है 18 to 45 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितने महाविद्यालयों को रखा गया है? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय, देखिए यहाँ पर क्लस्टर विश्वविद्यालय होगा, यहाँ पर क्लस्टर विश्वविद्यालय कर लीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय इम्पॉर्टेंट है, क्लस्टर, क्योंकि क्लस्टर विश्वविद्यालय ये जो चलाया गया है सरकार के द्वारा, इसके अंतर्गत 4 महाविद्यालयों को रखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। पहले तो आप समझिए कि क्लस्टर विश्वविद्यालय होता क्या है। देखिए क्लस्टर, देखिए एक तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी स्टेबलाइज की गई है सरकार के द्वारा। 2018 के एक्ट के तहत इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था। तो इस यूनिवर्सिटी के तहत आप याद रखिएगा कि जितने भी सराउंडिंग के कॉलेज होंगे उन कॉलेजेस को जो है इस यूनिवर्सिटी के अंडर लाया जाएगा। तो जितना भी कार्यकाल है, जितना भी उन कॉलेजेस का काम होगा वो इस यूनिवर्सिटी के अंडर आएगा। वहाँ पर उनको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ज़्यादा संबंध नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो 4 ऐसे कॉलेज हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है। कौन कौन से कॉलेज हैं? तो देखिए, पहला है राजकीय महाविद्यालय मंडी, और दूसरा है राजकीय महाविद्यालय बाशा, और तीसरा है द्रंग में स्थित है ये राजकीय महाविद्यालय नारला, और उसके बाद चौथा है महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल महाविद्यालय सुंदरनगर। तो ये जो है ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तहत आएंगे। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है ये मंडी में स्थापित की गई है, ये भी आप याद रखिए। और 4 कॉलेजेस इसके तहत लाए गए हैं, और कौन कौन से कॉलेज लाए गए हैं ये मैंने आपको बता दिया। क्लस्टर का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्या होती है। अब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में भी एक बार जान लीजिए। देखो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी वो 1970 में हुई थी, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में हुई थी, और इसके पहले उप कुलपति जो थे वो थे MR ठाकुर। और इसके बाद आती है हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1978 में हुई थी, ये पालमपुर में स्थित है। और इसके बारे में भी आप याद रखिए, तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई और एक क्लस्टर विश्वविद्यालय हो गया। इनके बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चीफ मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट्स बॉक्सर आशीष चौधरी फॉर सिक्योरिंग ओलंपिक टिकट ही बिलोंग फ्रॉम। देखिए, अभी मुख्यमंत्री ने जो है वो आशीष चौधरी को बधाई दी है कि उन्होंने ओलंपिक में जो है वो टिकट के लिए स्थान प्राप्त किया है। तो वो कहाँ से संबंध रखते हैं? तो मुख्यमंत्री ने ओलंपिक का टिकट हासिल करने के लिए बॉक्सर आशीष कुमार को जो बधाई दी है ये संबंध रखते हैं मंडी से। ऑप्शन सी सही आंसर है, ये मंडी के सुंदरनगर से जो है वो संबंध रखते हैं। अब यहाँ से आप क्या क्वेश्चन याद रखेंगे? पहला तो याद रखिए कि आशीष चौधरी कौन से खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये मंडी सुंदरनगर से बिलोंग करते हैं। अब खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप याद रखिएगा। देखिए, सुमन रावत हिमाचल की एक एथलीट हैं, तो इनको जो था वो 1987 में जो था वो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद ये प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और चौधरी चरण सिंह को 1964 में टोक्यो ओलंपिक में जो था वो ये स्वर्ण पदक दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। देखिए, इस बार के ओलंपिक जो है वो भी टोक्यो में ही हो रहे हैं। अब यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखिए कि हिमाचल के जो हैं वो विजय कुमार को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न भी दिया जा चुका है। तो राजीव गांधी खेल रत्न इन्हें दिया जा चुका है। ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो ये जो है ये संबंध रखते हैं शूटिंग से, ये भी याद रखिए। अब अगर हॉकी की बात करें तो हिमाचल के एक तो चौधरी चरण सिंह हो गए और दूसरी हो गई सीता गोसाई, ये दोनों हॉकी से संबंध रखते हैं। और विद्या स्टोक्स जो है वो 2 बार भारतीय महिला हॉकी संघ की अध्यक्ष रह चुकी, और शिमला के शिलारू में एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम भी है, ये भी आप याद रखिए। इसका निर्माण जो है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है।
हिमाचल के कुछ प्लेयर जो हैं वो कबड्डी के प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। एक तो हैं अजय ठाकुर, ये नालागढ़ से संबंध रखते हैं, और दूसरी हैं कविता ठाकुर, ये कुल्लू से संबंध रखती हैं। तो ये बेसिक सा हो गया स्पोर्ट्स के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए आपसे कि इस बार के ओलंपिक कहाँ पर होने थे, तो इस बार के ओलंपिक जो है वो टोक्यो में होने थे, अभी जो है इनको स्थगित कर दिया गया है। देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो मेंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बेगार के ऊपर। देखिए कई बार हिमाचल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, तो देखिए बेगार के बारे में आज हम समझेंगे कि बेगार होता क्या है। देखिए अगर आपसे एलाइड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी कम शब्दों में आपको लिखना होगा। तो अगर बेगार की बात करें तो देखिए बेगार एक ऐसा शब्द है जो कि पर्शियन भाषा से लिया गया है। तो पर्शियन एक ये वर्ड है, और अगर बेगार को आप समझेंगे कि होता क्या है, तो बेगार को आप समझिए कि ये एक तरह का फोर्स्ड लेबर होता है, मतलब ज़बरदस्ती काम लोगों को करना पड़ता है। कहाँ पर काम करना पड़ता है, तो देखिए जितने भी राजा होते थे उनके घर में काम करना पड़ता था, फिर ब्रिटिश सरकार आ गई तो ब्रिटिश सरकार के पास भी काम करना पड़ता था। और अगर शिमला हिल स्टेट्स की बात करें तो शिमला हिल स्टेट्स में जो था वो बेगार एक इंटरनल पार्ट था इकोनॉमी का ये एक इंटरनल पार्ट था, क्योंकि लोग जो था वो मुफ्त में जाकर काम करते थे बेगार में, और यहाँ से काफ़ी इकोनॉमी भी जो थी वो स्टेट को जनरेट होती थी। और देखो जब ब्रिटिश सरकार भारत में आई तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने जो था वो बेगार को रिकॉग्नाइजेशन दे दी। तो ब्रिटिश सरकार ने जब बेगार को रिकॉग्नाइजेशन दे दी तब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो बढ़ गई। प्रॉब्लम्स किस तरह से बढ़ गई, तो देखिए बेगार से जो था वो बर्डन इंक्रीज हो गया। बर्डन इस तरह से इंक्रीज हो गया क्योंकि उस टाइम जो था वो काम चला था शिमला तिब्बत रोड का। देखिए तिब्बत रोड जो था वो इंडिया तिब्बत रोड या शिमला तिब्बत रोड जो था वो उसका काम भी उस टाइम चला हुआ था, जिसके कारण जो था वो लोगों को मुफ्त में ही काम करना पड़ता था। और देखिए उस टाइम जो था वो शिमला को एज अ कैपिटल भी ग्रो किया जा रहा था, इंडिया की कैपिटल भी उस टाइम इंडिया को बनाया गया था। देखो जब ब्रिटिश इंडिया में आए पहले तो ऐसा होता था कि राजा लोग जो थे वो उन्हीं के पास बेगार करनी पड़ती थी, घर का कोई भी एक व्यक्ति था उसको बेगार करनी पड़ती थी, ये कंपल्सरी होता था। और उसके बाद देखिए बेगार तो हो गई, ब्रिटिश सरकार जब आई तो ब्रिटिश सरकार का क्या किया कि एक तो चला था ये तिब्बत रोड का निर्माण, यहाँ पर काम करना पड़ता था, अगर ब्रिटिश सरकार का कोई भी लगेज कैरी करना हो या उनका कुछ भी काम है तो वहाँ पर भी लोगों को मुफ्त में जाकर बेगार करनी पड़ती थी। देखो तो ये बेगार के टाइप्स भी आ जाएंगे, तो इनको आप टाइप्स में इंक्लूड कर सकते हैं कि ये बेगार के टाइप्स भी हैं। वैसे टाइप्स आपसे पूछे जाएँ तभी लिखने की ज़रूरत है, अदरवाइज इतने से शब्दों में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और देखो उसके बाद जितने भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होते थे, जितने भी लोगों के द्वारा काम किए जाते थे, पब्लिक के लिए कोई भी वर्क होता था तो वहीं वहाँ पर जाकर भी बेगार करनी पड़ती थी। जैसे कोई रोड का कंस्ट्रक्शन है, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, या कोई कुछ और कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर जाकर बेगार करनी पड़ती थी। अगर किसी रूलर के घर में कोई डेथ हो जाती है या कोई फेस्टिवल होता है, कोई ओकेजन होता है, तो उस टाइम भी लोगों को जाकर वहाँ पर बेगार करनी पड़ती थी। अच्छा इसके बाद बात आती है कि बेगार को ख़त्म किस तरह से किया गया, एवोल्यूशन किस तरह से हुई बेगार की। तो देखिए सर एम्यूल सिवान स्टोक्स जो थे वो इंडिया में आए। देखो इंडिया में जब शिमला वो पहुंचे 1904 1905 में, तब उन्होंने जो था वो बेगार को ख़त्म करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को एजुकेशन शुरू कर दी, उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया गया। तो उसके बाद जब लोगों को एजुकेट किया गया तब जाकर जो था वो लोग थोड़ा सा अवेयर हुए, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चला, और उन्हीं के हार्ड एफर्ट के कारण उन्हीं के हार्ड एफर्ट्स के कारण जो था वो बेगार फाइनली 1921 में जो था वो शिमला हिल स्टेट से ख़त्म हो गई। इस तरह से सर एम्यूल सिवान स्टोक ने जो था वो बेगार को समाप्त करने के लिए काफ़ी सहयोग दिया था। अब सर सैम्यूल इवान स्टोक्स के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए सर सैम्यूल इवान स्टोक्स जो थे उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था सत्यकाम। सत्यकाम नामक किताब इनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, और सर सैम्यूल इवान स्टोक्स को जो है वो सत्यानंद स्टोक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिक सा सर सैम्यूल इवान स्टोक्स या फिर सत्यानंद स्टोक्स के बारे में आप याद रखिए। और फाइनली 1946 में जो था वो इनका देहांत हो गया था। तो ये बेसिक्स आप बेगार के बारे में याद रखिए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उन क्वेश्चंस को भी याद रखिएगा। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष प्लास्टिक थैलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। बस चार ऑप्शन दी गई हैं, तो अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस गिरिराज वीडियो में डिस्कस किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।